स्वागत है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ आईटी एंड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिफरेंट कंप्यूटिंग के अंतर्गत ड्रोन एवं सेंसर उपकरणों का कृषि भूमि पर तकनीकी प्रदर्शन विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम जंगल रामलखन ब्लॉक खोराबार में मुख्य अतिथि आचार्य नरनदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह, विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे द्वारा किया गया। वहीं किसानों को उन्नत खेती के साथ ही आधुनिकता से जुड़ने के लिए तमाम तरीके और उपकरणों का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री व बीमार व्यक्ति तक दवाई पहुंचाने का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। वहीं कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राम लखन, के सी वर्मा, डॉक्टर एस पी सिंह, डॉक्टर एस के तोमर, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार, एस के सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे और उस टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचाने का काम भी कर सकेंगे। तो ये समझौता एक तरह से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा कि ये दोनों विश्वविद्यालय मिलकर इस देश के गाँव को आगे बढ़ाने में मंडल है। उसके सामने कैमरा ड्रोन है और उसमें आप देखेंगे कि इमेज अभी जैसे कैप्चर होती है। मैं अनुरोध करूंगा गोपी से कि हमारे डीसी साहब और माननीय विधायक जी बैठे हैं हुए हैं, उनको दिखाएंगे कि आप अपने घर बैठे हुए आप उसको देख सकते हैं। आगे चल के ये लार्ज लेवल पर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा उसको समझने में। आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा आ रहा है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ से विश्वविद्यालय की फैकल्टी को मैंने ये लिंक दिया हुआ है मोबाइल पे डेटा पे डाल। मैं इस सहयोग के लिए आशीष मिश्रा जी, अभिषेक जी जो कि एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल टीम से, और मिस्टर गोपी राजा कि ड्रोन राजा के नाम से फेमस है और इनका नाम जैसे ही ड्रोन राजा डालेंगे आप वेबसाइट पर पूरा देख पाएंगे। यूपी से हम इसको टेक्निक से हम मैच करेंगे और हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ कम करना है। तो फिर किया गया है क्योंकि हमें ये था कि कोई भी एनालिसिस अभी जल्दी नहीं किया है, इसलिए ये अभी डाटा ड्रॉप किया है, इसलिए परेशान हो। बहुत ही धन्यवाद कहने जा रहे हैं कि जो हमारा मेडिकल या ड्रोन वगैरह है क्योंकि हमने बॉक्स लिया है इसको मैंने इसलिए नाम मेडिकल किट डिलीवरी ड्रॉप किया है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए ये हमारे जहाँ बैठे खेत में भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और सेंसर लगे हैं वहाँ पे भी एक फोटोग्राफी होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि वहाँ भी जब से हमारे देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, ये सरकारें लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही हैं कि हम कैसे अपने किसानों की उपज बढ़ाएं, कितना उनको हम लाभ दे सकें, नई नई तकनीक से खेती के लिए प्रेरित करना सरकार का की पहली प्राथमिकता है। हम बधाई देना चाहेंगे अपने वर्मा जी, कहे कि प्रोफेसर साहब रामलखना के हैं लेकिन आपको बता दें मेरे जहां मैं जिस मिट्टी का हूं, हम लोग कोड़ीराम ब्लॉक के रहने वाले हैं, वही मेरी मातृभूमि है। आप चार पानी से हैं, हम हरैया से हैं, एक ब्लॉक हम लोग कहा यहाँ छावनी रही होगी हमको लगता है, लेकिन मातृभूमि तो वही है। अभी हम लोग आप आदरणीय जेपी पांडे साहब को कि आपने जो पांच गांव इस योजना के तहत चुना है वो सभी के सभी
मेरे विधानसभा के हैं, आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इसी तरह से आपका प्यार इस कौड़ीराम से लेकर के हमारे ग्रामीण विधानसभा खोराभा की परोली का हिस्सा में होता मेरे में आता है, इतना बरसता रहे। और अपने हैं आप, अपने बीच के हैं, तो निश्चित है जहां तक होगा आप करेंगे। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई थी मंदिर में, तो आपने बताया कि पूज्य महाराज जी से मैंने तमाम डिस्कस किया योजनाओं पर, और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच भी है अच्छी है, और इस गोरखपुर के हर गली से, हर गांव के गलियों से वाकिफ है मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। जहां ऐसे लोग हैं, हमारे प्रोफेसर साहब जैसे लोग, आदरणीय पांडे जी जैसे, इनकी टीम जो है यहाँ काम कर रही है गांव में, तो आप लोगों को भी इस योजना से प्रेरित होकर हर आदमी को जुड़ना चाहिए। पहले खेती में नुकसान हुआ करता था साथियों, लेकिन नई नई टेक्निक आ जाने से आज खेती में बहुत ही लाभ का सौदा है। सरकार भी MSP आपकी बढ़ा दी, करीब 2000 के करीब होने वाला गेहूं का रेट, 1835 रुपए करीब धान का रेट है, वो अच्छा रेट है। इस कार्यक्रम के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने बताया, आज का जो कार्यक्रम है वो हम लोग जो टेक्नोलॉजी है वो हम गांव में लेके जाएंगे। विश्वविद्यालय का जो रोल है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में शिक्षा देने के साथ साथ ही हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे उसका किसानों को सीधा फायदा क्या होगा, उसके लिए ये भारत सरकार की जो प्रोजेक्ट थी उस पर आज कार्रवाई शुरू हुई है हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा। और आज हम लोगों ने एक MOU भी किया है कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कि हम दोनों लोग मिल के जो खेती की टेक्निक्स है उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और गांव में कैसे पहुंचाएंगे कि किसान को फ़ायदा हो और उनकी पैदावार बढ़े तकनीक के विकसित करने के साथ। सर तमाम ड्रोन सर उड़ाए गए हैं सर, उससे किस तरीके से लोगों को? ड्रोन ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, जहां से हम डेटा नहीं ले सकते खेतों में, वो वहां ड्रोन जाएगा। आपने इस ड्रोन के उड़ते समय जो छिड़काव हो रहा था आप देखिए, कम मात्रा में हमने पूरे खेत का छिड़काव किया है और ये निश्चित रूप से जो कॉस्ट है वो हमारा सेव करेगा और समय का सेव करेगा, और इसमें किसानों को जो खेत में जाना पड़ता है उससे बच जाएंगे। वो जो बड़े बड़े खेत हैं जैसे गन्ने के खेत में आपको छिड़काव करना है बहुत कठिन होता है, तो ऐसे केस में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। सर इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, सर क्या कहा था उन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी तकनीकी हो टेक्नोलॉजी हो वो हम किसानों को कैसे लाभ दे सकें, उसमें आम किसान एक आम गरीब आदमी कैसे उससे लाभान्वित हो जाए, उस पर हमको काम करना चाहिए। हम विश्वविद्यालय हैं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स बहुत हैं और उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सेवाएं हम गांव में कैसे दें, और ये आज बड़ा अच्छा अवसर है कि हमारे पूरा विश्वविद्यालय गाँव में है और आने वाले समय में इसकी संख्या हम और बढ़ाएंगे और भी